मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है अवकलन, अवकलन पर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। इसके पहले हमने अवकलन पर 4 लेक्चर दिया हुआ है। तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो अवकलन है और जो सामान्य स्कूल लेवल का अवकलन है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ये है कि प्रतियोगी परीक्षा में आपको फंक्शन को हार्ड कर देगा, फंक्शन को बड़ा कर देगा, फंक्शन में कुछ ऐसा ट्रिक रहेगा जिससे आप उसको इजी करके फिर अवकलन करेंगे तो उसका आंसर आएगा। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है जिसको जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर बताते जाएंगे। कुछ एक सिद्धांत है जो स्कूल लेवल में नहीं बताए हैं, फार्मूला, उसको इस प्रतियोगी परीक्षा के लेवल में बताएंगे। अब जैसे हमको दिया गया है y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सिंपल स्कूल लेवल में सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स के फार्मूला से करेंगे, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर यू अपान वी मेथड से इसका अवकलन करेंगे तो ये लंबा जाएगा। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए मतलब टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन आना चाहिए। टेन आने के लिए क्या होता है कि ऊपर में साइन नीचे में कॉस होना चाहिए, यहाँ साइन रहता और यहाँ कॉस रहता तो ये बहुत ईजी हो जाता। साइन को टू साइन एक्स कॉस एक्स करके हाफ एंगल में बदल देते और यहाँ के कॉस को बदल देते टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस ऊपर में है और साइन नीचे में है, तो अपने पास इसके लिए भी रास्ता है कि हम जानते हैं जो कॉस एक्स है वो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स के इक्वल होता है और जो साइन एक्स है वो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स के इक्वल होता है। अब इनको हम हाफ एंगल में बदलते हैं, हाफ एंगल में बदलेंगे तो साइन का हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू यानी ये पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। हाफ एंगल कर दिए दोनों का, साइन एक्स टू साइन साइन टू एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है। वन प्लस इसको टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाई फोर पाई बाई फोर, इसका भी हाफ करेंगे तो माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा ऐसे माइनस वन। तो ये वन वन कट गया, वन वन कटने के बाद ये टू टू कटेगा और वन वन कटने के बाद एक कॉस इससे कट जाएगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो कुल मिला के बन गया टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, एक्स बाई टू का माइनस वन बाई टू आएगा। इस प्रकार क्या है, ये ट्रिक लगाने पे थोड़ा जल्दी बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें फार्मूला याद रहने पर इजीली बनेगा, वो है यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर में दिया गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स एंड अंडर रूट एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो देखने से तो ऐसे लग रहा है कि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर एंड वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर जैसे, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ एक्स है, मतलब एक्स की जगह एक्स है, लेकिन यहाँ पर रूट वाई है, रूट एक्स है और यहाँ इसका स्क्वायर इसके अंदर में है तो वाई की जगह रूट एक्स है, इसलिए इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ऐसे ऐसे लिखने के बाद हम इसका अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा वन अपान अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स की जगह रूट एक्स था इसका अवकलन फिर से करेंगे तो वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स वन अपान टू रूट एक्स, ऐसे करके इसका अवकलन होगा और इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम, वैसे ट्रिक वाला क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक एक्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स
रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन ऐसे दिया हुआ है, इसका अवकलन करना है। अब यहाँ पर तो सेक और साइन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये इनवर्स वाले चैप्टर में बताए हैं। तो क्या इसको कॉस किया जा सकता है? इसको कॉस बनाया जा सकता है इजीली। ये जब इसको कॉस इनवर्स हम लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रूट एक्स प्लस वन यहाँ आ जाएगा और रूट एक्स माइनस वन आ जाएगा। ये साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन। तो इस प्रकार दोनों के ये जो क्वांटिटी है सेम हो गया, और एक कॉस इनवर्स एक साइन इनवर्स है, तो ये पाई बाई टू के इक्वल हो गया, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इसका जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू, इसमें क्या देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा भी है कि आप बना लेंगे उसके बाद भी यदि फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको सिंप्लीफाई करके अलग ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे हम जो आंसर ला रहे हैं उससे अलग ऑप्शन रहता है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। y इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स ऐसा दिया हुआ है। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये पूरे को x मान लो रूट एक्स, तो रूट एक्स होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इन टू डी डी एक्स। आप जिसको हमने x मान लिया था वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, इसको हम फिर से अवकलन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे u अपॉन v मेथड से तो वन माइनस टेन एक्स, और इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टेन एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो वन का जीरो और इसका माइनस sec स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से वन माइनस टेन एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस वन प्लस टेन एक्स हो गया अपॉन वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन इस फॉर्मेट में नहीं है, ऑप्शन में ये टर्म्स तो है लेकिन सेक स्क्वायर के साथ पाई बाई फोर वगैरह कुछ है, ये टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है ये टर्म। हाँ तो देखिए इसमें क्या है, आगे ये सिंप्लीफाई होगा, वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स अपान वन प्लस टेन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा वन वन टू हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स, और आंसर जो दिया जो भी ऑप्शन उसमें ये टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स भी नहीं है, तो हम इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर। तो आगे ये हो जाएगा ये टू से ये टू तो कट गया, अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब आंसर इस फॉर्मेट में भी नहीं है, ये दोनों मिलके तो वन हो जाएगा होने को, लेकिन हमको क्या करना है कि इसको फिर से सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें टू का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस टर्म्स में टू का डिवाइड करेंगे और स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे तो उसको रूट टू लिखना होगा, ऐसे रूट टू इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पाई बाई फोर लाना है हमको, कॉस एक्स और साइन एक्स के एक्स के साथ में पाई बाई फोर लाना है। तो देख लीजिए रूट टू यहाँ क्या, हम स्क्वायर करेंगे तो टू बाहर आएगा, इससे कट जाएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वन बाई टू यहाँ लिख देते हैं, वन माइनस टेन एक्स एंड वन प्लस टेन एक्स वन अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस पाई बाई फोर माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई फोर का स्क्वायर, तो वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, और ये हो गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई फोर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए,
तो 1/2 अंडर रूट 1 - 10x, 1 + 10x कॉस है ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, π/4 + x, इस प्रकार का इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। देखिए आगे और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = sin inverse √1 - cos inverse √x, ऐसा दिया हुआ है y = sin inverse √1 - x एंड cos inverse √x। तो dy/dx करेंगे, दोनों का अलग अलग है जिसमें आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, फार्मूला नहीं लगा सकते, तो डायरेक्ट करते हैं इसका 1/√1 - √1 - x का स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको हमने x मान लिया, ये पूरे को x मान लिया था, उसका अवकलन 1 - x का, इसको x मान करके किए हैं तो रूट का अवकलन होगा, पूरे रूट को x हमने मान लिया था, और cos इनवर्स का होता है -1/√1 - x² तो dx/√x लिखना होगा। तो ये हो गया 1/√1 - 1 + x एंड इसका हो जाएगा 1/√x, फिर जिसको x मान लिया उसका अवकलन 1 - x का, -1/√ इसका स्क्वायर होगा तो 1 - x, इसका 1/√x हो जाएगा। तो इसका -1 आ जाएगा, ये हो गया 1/√x, और ये माइनस हो गया, 1/2 सब में से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इसमें भी है इसमें भी है, -1/√x इसका -1 होगा, ये रूट एक्स ये रूट 1 - x, -1/√x और ये √1 - x, दोनों नीचे सेम है तो ऊपर में -2 आ जाएगा, 1/2 - 2/√x, √1 - x, 2 कटेगा तो -1/√x √1 - x, ये इसका सलूशन होगा। इस प्रकार नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, इसमें कुछ लंबा क्वेश्चन है, y√x² + 1 = log√x² + 1 + x, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें हमको सीधे एक वैल्यू फाइंड करना है, 1 + x² dy/dx, 1 + x² dy/dx + xy + 1, इसके इक्वल क्या है? तो यदि ऑप्शन देखा जाए तो 0, 1, 2 वगैरह कुछ दिया होगा, लेकिन जनरली इस प्रकार प्रूफ करने वाले में यदि नंबर यहाँ आ गया तो लास्ट में 0 ही आता है, 0 इसकी वैल्यू होना चाहिए। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो y का होगा, y के यदि हम अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा x² + 1 और y का dy/dx, फिर y कांस्टेंट इसका करेंगे तो 1/√x² + 1 √x 1/2 √x dx/x² + 1 इक्वल के इस साइड 1/√x² + 1, यहाँ -x है, -x d/dx/√x² + 1 - x, तो ये हो गया √x² + 1 dy/dx + x² का 2x होगा तो 2xy/2, 1 का 0 हो जाएगा, x² + 1, 1/√x² + 1 - x,
इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 कट गया एक्स वाई अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/√x² + 1 माइनस एक्स एंड इसका 2x हो जाएगा, 2 कट जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/√x² + 1 माइनस एक्स। इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों एक जैसे है, बस माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कैंसिल होगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कटेगा लेकिन माइनस आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा 1+x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इसके जैसे। इस प्रकार इसको प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया इसके इक्वल 0 हो जाएगा 1+x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y fx इक्वल टू कॉस इनवर्स, fx इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस log x स्क्वायर अपॉन 1+log x² इस फॉर्मेट में है ये, इसका अवकलन ज्ञात करना है और वो भी e पर, मतलब f डैश e पर ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करने के बाद x की जगह e रखना है। तो ये फॉर्मेट जो दिख रहा है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x cos 2 थीटा के फार्मूला से जो बनता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - tan² / 1+tan² उसी से फार्मूला बना है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² / 1+x² इस फार्मूला के यदि इसमें अप्लाई कर दें तो ये 2 tan इनवर्स fx जो है 2 tan x की जगह क्या है log x है, 2 tan इनवर्स log x हो जाएगा। अब f डैश x करेंगे तो 2 tan इनवर्स x का 1/1+x² log x स्क्वायर, फिर x की जगह log x है तो उसका अवकलन, तो f डैश x इक्वल टू 2 1+log x, इसका बेस e ही है तभी ये अवकलन हुआ है और इसका 1/x हो जाएगा। अब f डैश e निकालते हैं तो 2/1+log e बेस e का स्क्वायर इंटू 1/e, तो log e बेस e पर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, इस 1 से ऐड होगा तो 2, तो 2 कट जाएगा, f डैश e इक्वल टू 1/e हमको प्राप्त होगा जो x की जगह e रखे हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये एक लॉगरिथम का चैप्टर हमने अलग से दिया हुआ है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उससे आधारित क्वेश्चन है। fx इक्वल टू गिवन है log इसका बेस 5 है, log इसका बेस 7 है और यहाँ x है, तो इसका अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन तो तभी मिलेगा जब हमको, जब इसमें और गिवन है x ग्रेटर देन 7 है, और log x का अवकलन तभी होता है जब उसका बेस e हो, जब उसका बेस e हो तभी उसका अवकलन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार का है log a
बेस बी पर है तो लॉग ए बेस सी पर अपॉन लॉग बी बेस सी पे, ऐसा एक फार्मूला उसमें बताए थे मैंने। इसका किसी तीसरे बेस पे दोनों का लॉग लिखेंगे अपॉन में आएगा, तो वैसे ही इसको लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग फाइव लॉग एक्स बेस ई पर अपॉन लॉग सेवन बेस ई पर। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू लॉग फाइव लॉग एक्स बेस ई पर माइनस लॉग लॉग ये वाले लॉग के लिए लॉग ए अपॉन बी इक्वल लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग सेवन बेस ई हो गया। अब इसमें एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, अवकलन सिर्फ इसका होगा, अवकलन सिर्फ इसका होगा। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ताकि हम आसानी से इसको अवकलन कर सकें, आसानी से अवकलन कर सकें इसके लिए। हाँ, इसमें फिर से ये फार्मूला लगा देते हैं फाइव पर, मतलब इतना को एक टर्म समान करके इसको एक बेस पे लिख देते हैं और इसको एक बेस पे लिख देते हैं। मतलब एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जैसे ये वाले क्वांटिटी को ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ये वाले लॉग को हम ऊपर नीचे, ऊपर में ये है और इसका बेस फाइव है, तो इसको लिखेंगे लॉग लॉग बेस ई पर अपॉन लॉग फाइव बेस ई पर माइनस लॉग फाइव लॉग सेवन बेस ई। अब अवकलन करेंगे एफ बेस एक्स तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें लॉग लॉग एक्स का होगा, लॉग लॉग एक्स का ये वाले लॉग को करेंगे तो वन अपन लॉग एक्स बेस ई पे ये जीरो का त्यों रहेगा, लॉग फाइव बेस ई पे इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई पर। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू वन अपन लॉग एक्स बेस ई लॉग फाइव बेस ई एंड इसका वन अपन एक्स हो जाएगा। अब इसको और क्या किया जा सकता है, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा चेंज कर देते हैं, जैसे क्या कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन ना हो, जैसे लॉग सेवन बेस पे है तो ये तो लॉग फाइव बेस ई पे आ गया और ये लॉग एक्स बेस ई पे वन अपॉन एक्स आंसर आ गया, लेकिन इसको एडजस्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में वन अपॉन लॉग एक्स, एक्स का अलग से और सेवन का अलग से लिख देंगे, लॉग सेवन बेस ई। देखिए इसको एडजस्ट करते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं एडजस्ट, आपको लॉग का फार्मूला हमने उस लेक्चर में बताया था, यहाँ एक्स है और ये लॉग एक्स बेस ई पे है तो हम लॉग से बेस ई पे है लॉग सेवन बेस ई पे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर देते हैं और लॉग सेवन बेस ई पे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर लॉग फाइव बेस ई पर। तो ये हो गया वन अपॉन एक्स, अब ये दोनों का सेम बेस है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग एक्स बेस सेवन और ये कांस्टेंट है लॉग सेवन बेस ई लॉग फाइव बेस ई, ऐसा इसका आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्राचलिक समीकरण पर है, एक्स वाई अलग से डिफाइन है, एक्स वाई अलग से डिफाइन है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। देखिए x इक्वल टू ए साइन टू थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा, y को पहले लिख लेते हैं, y इक्वल टू बी साइन टू थीटा, अच्छा इसमें कॉस है, y इक्वल टू बी कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा एंड x इक्वल टू ए साइन टू थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला आप जानते हैं उसके आधार पर इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसमें ये टर्म सब जब दिख रहा है इसका फार्मूला लगा देते हैं, वाई इक्वल टू बी कॉस टू थीटा, इसको लिख देंगे वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा, तो वन वन कैंसिल हो जाएगा। या ट्वेल्थ लेवल में ये भी जानते हैं कि ट्वेल्थ लेवल में ये भी है कि वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू अपॉन टू इक्वल टू साइन थीटा होता है, ऐसा करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको हाफ एंगल में बदलिए वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा तो वन कैंसिल हो जाएगा साइन बच जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा टू आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ये कॉस में बदलेगा टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू ए साइन टू थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा।
अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो वाई को कभी थीटा के सापेक्ष और एक्स कभी थीटा के सापेक्ष डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा कर देंगे प्राचलिक समीकरण जैसे। तो इसमें कॉस टू थीटा का होगा तो माइनस टू साइन टू थीटा आएगा तो माइनस फोर बी साइन टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन स्क्वायर का होगा तो टू साइन थीटा आएगा, फिर साइन थीटा का होगा तो कॉस थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा फोर बी कॉस टू थीटा टू साइन टू थीटा, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नीचे में देखिए एक्स का करेंगे तो साइन टू थीटा का होगा तो कॉस टू थीटा होगा, या कॉस स्क्वायर करेंगे तो टू कॉस थीटा पहले आएगा फिर कॉस थीटा का माइनस साइन होगा, तो माइनस फोर ए साइन टू थीटा कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब ये साइन टू थीटा करेंगे तो टू कॉस टू थीटा होगा तो फोर ए कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ समानता तो दिख रहा है, फोर बी कॉमन आएगा ऊपर से, फोर ए कॉमन आएगा नीचे से, ऊपर से साइन थीटा इसमें इसमें दोनों में दिख रहा है, नीचे में कॉस थीटा दोनों में दिख रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस फोर बी साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ से बचा साइन टू थीटा साइन थीटा, साइन टू थीटा साइन थीटा, यहाँ से बचा कॉस टू थीटा कॉस थीटा, ये कॉस का फार्मूला बन गया वैसे, माइनस फोर ए कॉमन आएगा तो फोर ए के साथ कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा साइन टू थीटा, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, कॉमन माइनस नहीं ले रहे हैं, साइन टू थीटा साइन थीटा एंड कॉस टू थीटा कॉस थीटा यहाँ से भी बचा। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये ब्रैकेट का क्वांटिटी कट गया, फोर फोर कट गया, तो बी टेन थीटा अपॉन ए करके मिलेगा इसकी वैल्यू प्राचलिक समीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको फार्मूला अच्छे से मालूम होना चाहिए, फार्मूला अच्छे से मालूम है तो आप अवकलन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फार्मूला का स्टेप ऐसी प्राचलिक समीकरण है, प्राचलिक समीकरण y इक्वल टू टी टू पावर टेन प्लस वन एंड x इक्वल टू टी टू पावर एट प्लस वन, ऐसे हमको फाइंड करना है डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वेयर, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स होगा तो ये डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी यानी टेन टी टू पावर नाइन अपॉन ये एट टी टू पावर सेवन, तो ये हो गया फाइव टी स्क्वेयर अपॉन फोर। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स है वो t के टर्म्स में है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अच्छा चलो पहले लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ फाइव टी स्क्वेयर अपॉन फोर, फिर ये t के टर्म्स में है तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ t लाएंगे डिवाइड करेंगे डी टी का फाइव टी स्क्वेयर अपॉन फोर, तो हमको यहाँ डी टी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ डी टी का हमने डिवाइड किया था डी टी के यहाँ, तो एक प्रकार से डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी अलग से, ये है एट टी टू पावर सेवन, तो ये इस अपॉन में आएगा, मतलब इसके इक्वल हो जाएगा टेन टी अपॉन फोर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी एक्स ऊपर में तो अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी टेन टी अपॉन फोर और ये एट टी टू पावर सेवन, तो इस प्रकार क्या है टू टाइम्स से कटेगा तो फाइव, ये नीचे आएगा तो सिक्सटीन, तो फाइव अपॉन सिक्सटीन टी टू पावर सिक्स, ये इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखते हैं, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल लॉग एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल लॉग, अस्पष्ट फलन है ये, अस्पष्ट फलनों का अवकलन बताए हैं हम, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कितना होगा, तो साइन का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और इसका जब डी डी एक्स अब लिखना है एक्स प्लस वाई का, और इसका वन अपॉन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई
एक्स का वन हो गया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू, यहाँ भी एक्स का वन हो गया और वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया अपान एक्स प्लस वाई। सबको इधर ले आते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो। अब दोनों में वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स वाई, तो ये तो फलन के रूप में बचा हुआ है, ये जीरो नहीं होगा, इसी को जीरो करेंगे। वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन। इस प्रकार कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिख रहा है, लेकिन उसका डी वाई बाई डी एक्स बहुत ईजी है। लॉग पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है y इक्वल टू 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 पावर y इक्वल टू 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 पावर वन अपान लॉग फोर है और बेस में x है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, y इक्वल टू 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 पावर इसको उल्टा कर देते हैं, वन अपान लॉग b बेस a इक्वल टू लॉग a बेस b, ये लॉग वाले चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। तो ये टू टू पावर हो जाएगा लॉग एक्स बेस फोर, नीचे से ऊपर गया तो चेंज हो गया। अब इसके पावर में रहता है वो सामने में आता है, इसके पावर में रहता है वो यहाँ आता है, अपॉन में आता है। तो वाई इक्वल टू 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 पावर वन बाई टू लॉग एक्स बेस टू लिख सकते हैं, क्योंकि ये टू स्क्वेयर है। इसको टू इसलिए किए हैं कि यदि ये वन बाई टू सिंप्लीफाई हो जाए तो लॉग ए टू पावर लॉग एक्स बेस ए, ए के पावर में है और उसके बाद लॉग है उसी बेस पे, तो ये एक्स के इक्वल हो जाता है, इसलिए टू के पावर में है और बेस टू बना देंगे तो बाद में ये लॉग हट जाएगा। अब इस वन बाई टू को हटाना है हमको, वन बाई टू को हटाना है, पावर में वन बाई टू है यानी रूट है, रूट है मतलब हमको वर्ग कर देना है। इसका वर्ग करेंगे तो इसके पावर में टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे का वर्ग होगा वो टू यहाँ आएगा, तो टू अपॉन टू लॉग एक्स बेस टू, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 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 पावर लॉग एक्स बेस टू, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स होगा। तो ये सब, ये क्वेश्चन सिर्फ लॉग का फार्मूला अप्लाई करने आता है कि नहीं इसके लिए है। हाँ, जैसे शुरू में ही हमने बताया फार्मूला वही लगेगा अवकलन का, बस आपका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उस आधार पे आपको बनाना है। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, ऐसा दिया हुआ है। इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, चार ऑप्शन जो दिया है उसमें ए नहीं है, उसमें ए नहीं है, इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि इसको हम सिंपल स्पष्ट फलन जैसे अवकलन कर देंगे, इसका करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो इस इक्वेशन में ए बच जाएगा, इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स में ए बच जाएगा, दोनों से ए को कैंसिल करेंगे तो ये बहुत लंबा जा सकता है। लेकिन इसका जो फॉर्मेट दिख रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं, बाद में फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, एंड वाई इक्वल टू साइन फाई मान लेते हैं, बाद में फाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस फाई, और ये ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। सीडी सूत्र लगा देते हैं, टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू टू ए साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू इन कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू, माइनस में है तो साइन में माइनस, कॉस में प्लस हो जाएगा, टू टू कैंसिल, और कॉस फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव बाई टू इधर भी है इधर भी, ये भी कैंसिल, और ये साइन इधर आएगा तो ये कोट बन जाएगा, कोट थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू ए। अब कोट को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू कोट इनवर्स ए, अब ये कांस्टेंट हो गया, अब ये कांस्टेंट हो गया, ए जो है अवकलन करेंगे जीरो हो जाएगा, ये टू को इधर ले जाते हैं और थीटा की वैल्यू रखते हैं साइन इनवर्स एक्स, और फाई की वैल्यू रखते हैं साइन इनवर्स वाई इक्वल टू टू कोट इनवर्स ए।
अब इसका अवकलन करेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स का वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का साइन इनवर्स वाई का ये और वाई का किए इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो। तो माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं ऐसा। ये डी वाई बाई डी एक्स किसकी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनवा कॉलेज, एनवा कॉलेज पर वैसे हम स्कूल लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, कंपटीशन लेवल में ये है कि एक अकेले फलन का एनवा कॉलेज हम बताए हैं, उसको आपको याद रखना चाहिए। सभी प्रकार के फलन का हम प्रूफ करके दिए थे, जैसे वाई इक्वल टू यदि कॉस ए एक्स प्लस बी बताया था मैं ऐसे, तो y n इसका होता है a टू पावर n cos n पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी, निकाल के दिखाए थे हम इसको। इसको फार्मूला के तौर पे यूज करेंगे, यदि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है तो y n होता है a टू पावर n cos n पाई बाई टू मैंने एनवा अवकलज y n मतलब ए एक्स प्लस बी। ऐसे हमारे पास अभी जो क्वेश्चन आए हैं वो ये y इक्वल टू है साइन एक्स साइन थ्री एक्स, तो अब इसमें दो पद का गुणनफल है, कैसे कर सकते हैं इसको। तो इसको करने के लिए हम ए बी फार्मूला लगाएंगे जिसमें ये अलग अलग हो जाएगा, जिसमें अलग अलग हो जाएगा तो ऊपर नीचे टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू साइन थ्री एक्स साइन एक्स बड़ा एंगल को पहले ले लिए अपॉन टू, तो ये फार्मूला हो जाएगा टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसे जब दोनों साइन होता है तो एक साइन एक कॉस होता है, साइन में आता है, दोनों कॉस होता है तो कॉस में आता है। तो टू साइन ए साइन बी का ये हो गया फार्मूला, तो इसके आधार पे ये वन बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कॉस टू एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो फोर एक्स। अब इसका एनवा अवकलज लिखेंगे तो वो फार्मूला को यूज कर लेते हैं, वन बाई टू ए की जगह टू है तो टू टू पावर एन कॉस टू एक्स प्लस एन बाय पाई बाई टू माइनस फोर टू पावर एन कॉस फोर एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये इसका एनवा अवकलज होगा। कंपटीशन लेवल में यही एक्स्ट्रा है कि आपको फार्मूला लगाने के बाद फिर कुछ और फार्मूला लगाने के बाद अगला फार्मूला लगाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं रहता कंपटीशन एग्जाम का, जैसे ऐसा तो देगा नहीं, इसका तो फार्मूला आप याद रखेंगे ही, ये फार्मूला यूज हो रहा है और उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा फार्मूला यूज हो रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स लॉग ए एक्स अपान ए प्लस बी एक्स ऐसा दिया हुआ है, ए प्लस बी एक्स ऐसा दिया हुआ है और हमको मान ज्ञात करना है। देखिए ये जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहता है तो जरूर क्या है वो इसको घुमाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको। लेकिन इसके जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो है एक्स डी वाई बाई, इसमें ऑप्शन को लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स एंड वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा ये चार ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू के लिए। अब इसमें जब ऐसा दिया हुआ है तो कुल मिलाकर ये फॉर्मेट या ये फॉर्मेट हमको मिलना चाहिए, कोई एक फॉर्मेट हमको मिलना चाहिए। तो देखिए ये तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ही, लॉग एक्स को इधर ले आते हैं, लॉग को इधर लाएंगे तो अपान में आएगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो y अपान एक्स ऐसा करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। तो देखिए ये हो जाएगा u अपान v मेथड से x ऊपर का अवकलन यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला फिर नीचे का अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपान एक्स माइनस वन अपान ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स अगर फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस
वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ ए प्लस बी एक्स और ये एक्स कैसे होगा तो माइनस बी एक्स, तो ये कट गया। अब एक्स स्क्वेयर को उधर ले जाते हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में आ गया है ये वाला, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर, तो ए एक्स कटेगा, ए एक्स अपान ए प्लस बी एक्स। अब इसका पुनः अवकलन कर देते हैं, पुनः अवकलन इसका कर देते हैं तो डी टू वाई आना है, तो एक्स का होगा देख लीजिए, एक्स का होगा तो पहले डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, तो एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, फिर एक्स का करेंगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई का करेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर इधर करेंगे तो नीचे का फल है ए ए प्लस बी एक्स, फिर इसका होगा ए एक्स का होगा तो ए आएगा माइनस ए एक्स, फिर ए प्लस बी एक्स का होगा तो ए का जीरो और बी एक्स का बी आएगा, ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर, तो एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वेयर आ जाएगा, ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स से कट जाएगा, ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देख सकते हो आप, इसके इक्वल ए अपान बी एक्स के इक्वल एक्स को इधर पूरे के अपान में ले जाएं, पूरे के अपान में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स के इक्वल होगा, इसको ऐसे लिखते हैं डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वेयर ए अपान ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर। तो यहाँ से ए अपान ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इधर आएगा तो एक्स क्यूब डी टू वाई अपन डी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये सबका भी स्क्वेयर हो जाएगा। आंसर हमारा ये हो गया बी ऑप्शन हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, और अब क्या है, अब एक नया चीज आएगा आंशिक अवकलन जिसको हम अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।